सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माई नी वीडियो। मैं गया हूँ एक और नई वीडियोस के साथ। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गाइस, हमारा जो है गाइस, ये गाड़ी का साइलेंसर है और ये गाड़ी में ऐसा क्या रोल निभाता है कि ये प्रत्येक गाड़ी में लगा रहता है ये गाड़ी का साइलेंसर। तो गाइस, इस साइलेंसर के अंदर ऐसा होता क्या है और किस तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग बनी रहती है और ये बनता कैसे है, कि बनता नहीं वो, कि इसके अंदर का जो रहता है सिस्टम वो किस तरीके से रहता है, इस चीज़ को आज हम देखेंगे। और इसको है जो गाइस सीधा काट के देखेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से ये बना रहता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधा वीडियो में ले जाता हूँ और इसको जो है गाइस हम देखेंगे सीधा काट के और देखते हैं कि इसमें किस तरीके से रहता है। तो सीधा इसको मैं काट देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर लिया, इसको मैंने फंसा लिया। अब बारी आती है सुरक्षा के लिए, तो सबसे पहले अनिवार्य है सेफ्टी। और अब इसको हम जो है गाइस काट के देखेंगे कि ये कैसा रहता है। तो गाइस, ये हमारा ऊपरी वाला परत है जो कुछ इस तरीके से, इसमें देख रहे हो काला धुआं जो है इसमें जम चुका है और ये पूरा ये धुएं का है। आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो पूरा जो है गाइस ये धुएं का है, ये साइलेंसर में जो है हमारा जमा हुआ है, ये देखो। अब इसकी अंदर की जो मैन्युफैक्चरिंग जो कुछ इस तरीके से है, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। तो गाइस, ये हमारा अंदर का जो ये पार्ट है, यहाँ से जो गाड़ी का जो डायरेक्ट ये साइलेंसर जो लगा रहता है गाड़ी का इंजन में, वो यहाँ पे इस वाले सिरे में लगा रहता है। यहाँ से जब ये होके फिल्टर जब जाता है, तो ये गाइस छोटा सा एक फिल्टर है, इसके आर पार आपको दिखा दे रहा हूँ। आर पार, हाँ, यहाँ से ये आर पार दिख जाएगा। देखो ये यहाँ से ये कुछ इस चीज़ को देखो, आप इस चीज़ को देखो, यहाँ से ये दिख जाएगा साइलेंसर के अंदर से। तो गाइस, यहाँ से ये जो नली से ये आता है और इस नली से होके गाइस यहाँ से ये यहाँ पे आता है और यहाँ से एक दो नली है, यहाँ से आप देख लो, जो कि यहाँ पे ये दो नली फिर से यहाँ से जाता है। इस चीज़ को यहाँ पे मैं काटता हूँ यार। ये कट चुका है गाइस, लेकिन ये निकल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा है। ये एक बार निकाल के ट्राई करते हैं। तो गाइस, यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप से, तो यहाँ से हमारा ये जो है ये साइलेंसर टाइप का है, ये कुछ ये छोटा सा ये नली है, यहाँ से ये धुएं को रोकता है। यहाँ से जब धुआं आता है तो ये कुछ ऐसा होता है और यहाँ से ये दो नली है, और आपको दिखा और दिखाना चाहता हूँ भाई। तो गाइस, यहाँ से ये दो नली है, यहाँ पर आप देख लो ये दो नली है, जो कि ये उस तरफ से आ रहा है, देखो ये। और यहाँ से गाइस जब ये लगता है, तो गाइस ये वाला जो हिस्सा है और ये लगा हुआ था तो ये ऐसा था, तो जब ये दिखा और अराउंड शेप में यदि ये इसके अंदर ही घूमता है और अंदर घूमने के बाद से गाइस यहाँ से ये रिटर्न अंदर जाता है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ से ये ब्लॉक है, यहाँ से ये ब्लॉक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों नली इसका जो है ब्लॉक है। और इस नली से ये ऐसा घूम के फिर से जब ये ऐसा आता है, तो फिर ये एक बीच में जब ये वाली नली है, इस नली से होकर ये डायरेक्ट निकल। तो गाइस, यहाँ पे ये इसी तरीके से आता है, यहाँ से ये दो नली में आता है और फिर से ये दो नली के ऊपर थ्रू ये बाहर चले जाता है। और बाहर जाने के बाद से गाइस ये डायरेक्टली ये इजेक्ट कर देता है हवा को, काला धुआं, सफ़ेद धुआं। तो गाइस, यहाँ पे ये ऐसा होता क्यों है कि गाड़ी जो है काला धुआं मार दिया सफ़ेद धुआं पर, तो गाइस इसके अंदर ही इतना सारा रहता है। देखो यार, ये क्या रहता है, क्या इसके अंदर देख रहे हो, कितना सारा धुआं और इसके अंदर वो जमा हो गया है राख, काला राख। तो गाइस, ये है जो काला राख है, ये दिखा देते हैं, दिखा यार कुछ है क्या,
इसको मैं इसमें रख देता हूँ आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये जो है बहुत सारा इसमें जो है गाइस काला वाला राख जो इसको बोलेंगे हम स्क्रैप, जो कि ये ऑयल का रहता है, और ये बहुत सारा है गाइस। ये देखो ये इतनी सारी गाड़ी के अंदर से है जो गाइस साइलेंसर में ये जमा था, और ये इसी के अंदर ही है। तो इस चीज़ को अब मैं हटा देता हूँ, और ये जो है गाइस हमारा साइलेंसर जो है ख़राब हो चुका है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि गाइस गाड़ी के साइलेंसर के अंदर रहता कैसा और किस तरीके से ये वर्क करता है। इस चीज़ को आज मैं भी कुछ समझा कि और किस तरीके से ये वर्क किया। तो गाइस आज के लिए वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।